भारत और अमेरिका के बीच बुधवार को रक्षा क्षेत्र में अगले 10 साल तक सहयोग बढ़ाने के समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसमें रक्षा उपकरण के सह विकास और उत्पादन, जेट इंजन, विमान वाहक पोत डिजाइन और निर्माण शामिल हैं। दोनों पक्षों ने हाईटेक मोबाइल ऊर्जा स्रोत, रासायनिक और जैविक युद्ध के लिए अगली पीढ़ी के रक्षात्मक सूट के लिए दो परियोजना समझौतों को भी अंतिम रूप दिया है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और अमेरिकी रक्षा मंत्री एस्टन कार्टर के बीच हुई बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच अगले 10 सालों तक रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की रूपरेखा को मंजूरी दी गई। इनमें दोनों देशों के बीच उच्च स्तर की रणनीतिक चर्चा, सशस्त्र सेनाओं के बीच आदान प्रदान और रक्षा क्षमताओं को बढ़ाना शामिल है। दोनों पक्षों ने विमानों के इंजन और विमान वाहक पोत के डिजाइन और निर्माण पर भी बातचीत में तेजी लाने पर सहमति जताई। ये समझौते 10 साल पहले हुए समझौतों को आगे जारी रखने के लिए किए गए हैं। इसका फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की जनवरी में भारत यात्रा के दौरान हुआ था। अमेरिकी रक्षा मंत्री कार्टर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रणनीतिक और रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।